हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून वेलकम टू एम अचीव बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल माय नेम इज अंकित गुप्ता और हम यहां पर जीके टोर्डो सेशन के लिए तैयार हो चुके हैं आ, डेली बेसिस पर तो नहीं लेकिन वीकली बेसिस पर हम दो सेशन जीके टोर्नेडो के यहां पर लेते हैं जिसके माध्यम से हम लोग करीब करीब वन प्लस एमसीक्यूज के रिविजन का जो टारगेट है वो लेकर हम लोग चल रहे हैं और इस टारगेट के तहत अभी तक हम लोग अप्रोक्स 150 फिफ्टी का डिस्कशन कर चुके हैं तो आज हम पार्ट फोर का डिस्कशन आप सभी के साथ करेंगे लेकिन कुछ वजहों से आज ये सेशन बजे नहीं बल्कि बारह बजे आप सभी के साथ कंडक्ट किया जा रहा है तो जितने भी लोग इस सेशन के साथ कनेक्ट कर चुके हैं सेशन के साथ ज्वाइन कर चुके हैं सभी को यहाँ पर गुड मॉर्निंग अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं जीके टोर्डो पार्ट नंबर फोर और यहाँ पर शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की क्वेश्चन आप सभी के सामने है आराम से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और आंसर हुए सभी लोग यहां पर चलिएगा जीके टोनेडो रैपिड फायर मोड में होगा यानी कि टोर्नेडो जितना तेज होता है तूफानी होता है ठीक उसी प्रकार हम लोग ये सेशन रैपिड फायर मोड में आगे बढ़ाएंगे ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का रिविजन किया जा सके और तैयार हुआ जा सके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नंबर वन शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के रेलीगियर इंटरप्राइजेज लिमिटेड हैज रिसेंटली साइन विच इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर एज इट्स ब्रांड अंबेसडर सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाल ही में यहां पर किस भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान को रेलीगेर इंटरप्राइजेस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया है तो अधिकतर लोगों का आंसर यहाँ पर जो बनता है उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें कि सही जवाब क्या होना चाहिए योगेश्वर दत्त जाने माने रेसलर हैं और हाल ही में इनको यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड

फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर कार्लोस सोरा विल बी ऑनर्ड विद द सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द फिफ्टी थर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ही बिलोंग्स टू विच कंट्री सिंपल सा क्वेश्चन है फटाफट से बताएगा कि इसका आंसर यहां पर क्या बनेगा फिल्म निर्देशक और लेखक कार्लोस सोरा तिरपनवे भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है वह किस देश से बिलोंग करते हैं पांच ऑप्शन सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है सही जवाब यहां पर बनेगा स्पेन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर श्लोक मुखर्जी हैज वो द टाइटल ऑफ डूडल फॉर गूगल 2022 ही बिलोंग्स टू विच स्टेट हाल ही में श्लोक मुखर्जी नाम के बच्चे ने यहाँ पर डूडल फॉर गूगल का जो खिताब है 2022 के लिए वो आपका यहाँ पर जीता है इसका संबंध किस भारतीय राज्य से यहाँ पर है अधिकतर लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल तो ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव ज ऑर्डर्ड अ कंप्लीट बैन ऑन पब्लिक डिस्प्ले ऑफ वेपन एंड सॉन्ग्स ग्लोरीफाइंग वायलेंस आपने ऐसे गाने जरूर सुने होंगे या देखे होंगे जिसमें हथियारों का प्रदर्शन होता है या फिर हथियारों को या थोड़ा सा हिंसा को ग्लोरीफाई किया जाता है हथियारों के साथ डांस होता है इस तरीके के गाने आप लोगों ने जरूर देखे होंगे तो यहां पर किस राज्य सरकार ने हाल ही में बैन लगा दिया है कि यहां पर हथियारों का महिमा मंडन या हथियारों को ग्लोरीफाई करना गानों में ये सब सही नहीं है या वेपन्स दिखाना यह सही नहीं है ग्लोरीफाई करना सही नहीं है यह हिंसा को बढ़ावा देता है ऐसा आदेश यहां पर पारित किया है यहां पर पंजाब गवर्नमेंट ने ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ओके पब्लिक सेक्टर बैंक स्टैब्लिस्ड इन नाइनटीन नाइन इन नाइनटीन नाइनटीन सेलिब्रेटेड इट्स वन जीरो का नाम क्या बनेगा फिफ्थ ऑप्शन है आपका नी सही जवाब आपका यहाँ पर बनेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है अगर हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई थी बनेगा इसका मुंबई में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी इसका बनेगा मुंबई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस भी आपका मुंबई में ही मौजूद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी उन्नीस में 1955 में हेडक्वार्टर बनेगा एसबीआई का भी मुंबई शहर में क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन Uh, who has been appointed as the Chief Executive Officer of State Broadcaster Prasar Bharti for five years? अगले पांच सालों के लिए राज्य प्रचारक प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे आपके यहां पर नियुक्त किया गया है किसे आपके यहां पर नियुक्त किया गया है सीईओ ऑफ स्टेट ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती फॉर इयर्स पांच ऑप्शन सही जवाब इंपॉर्टेंट है, है सही जवाब बनेगा गौरव द्विवेदी ऑप्शन कर रहे हैं प्रेस्टिजियस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट हेल्ड इन लंडन सिटी राज्यों के नाम आपके सामने है और आपको बताना है कि लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में किस राज्य ने पर्यटन को प्रतिष्ठित यानी कि किस राज्य के पर्यटन को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड आपका यहां पर दिया गया है पांच ऑप्शन उत्तर प्रदेश तमिलनाडु गुजरात आंध्र प्रदेश और केरला सही जवाब यहां पर कौन सी राज्य सरकार होगी स्टेट गवर्नमेंट होगी तो करेक्ट आंसर बनेगा केरला स्टेट ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन

गोयल साहब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर नाइन नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 10 इन व्हिच सिटी विल रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्ड इंडियाज मेड इन मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक पार्क पांच ऑप्शन शहर का नाम जहां पर रिलायंस कंपनी uh, यहां पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना आपकी यहां पर करेगी फटाफट से मुझे बताइएगा फटाफट से मुझे बताइएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज किस शहर में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका यहां पर बनाएगी तो सही जवाब इस क्वेश्चन का जो यहां करेक्ट कीजिएगा चेन्नई इज द राइट आंसर है ओके नेक्स्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन नोटेड राइटर्स मधु कंकड़िया एंड डॉक्टर माधव हाडा यह पुरस्कार से है के लिए, उनकी लिखी गई किताबों के लिए यहां पर दिया गया है सही जवाब यहां पर क्या बनेगा इन्हें हाल ही में इकतीसवें और बत्तीसवें बिहारी पुरस्कार से क्या किया गया है सम्मानित किया गया है तो ऑप्शन नंबर ई बिहारी पुरस्कार इज द राइट आंसर क्लियर है नेक्स्ट question number 12 recently arfa arfa khanum sherwani has been selected फॉर द कुलदीप नायर जर्नलिज्मी टून टू बीफा बेसिकली जीके से संबंधित हो जाएगा क्योंकि पूछा जा रहा है राजदीप सरदेसाई अर्नब गोस्वामी रजत शर्मा सुधीर चौधरी रवीश कुमार सभी के सभी पर पत्रकार हैं और भारत के ने माने पत्रकार हैं सही जवाब इस प्रश्न का जो आपका यहां पर बनेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि रवीश कुमार ये यहां पर बिल्कुल सही जवाब बनेगा सबसे पहले इस पुरस्कार के विजेता रवीश कुमार साहब थे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच ऑफ सेंटर्स द जस्ट ओके दोबारा से स्टार्ट करते हैं विच ऑफ फॉलोइंग फाउंडेशन कन्फर्स द कुलदीप नायर जर्नलिज्म अवार्ड सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि कौन सा फाउंडेशन कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार आपका प्रदान करता है सिंपल सा क्वेश्चन फटाफट से बताइएगा यह पुरस्कार किस ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है भारतीय फाउंडेशन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन गांधी शांति प्रतिष्ठान या गांधी पीस फाउंडेशन गांधी रिसर्च फाउंडेशन और of these पांच ऑप्शन सही जवाब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गांधी पीस फाउंडेशन ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन विच सिटी हैज द इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर हैज बिन इनोग्रेटेड रिसेंटली भारत में कहां पर किस शहर में भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन अभी रिसेंटली किया गया था फटाफट बायोलॉजिकल डेटा सेंटर इसका इनोग्रेशन जयपुर आगरा जलंधर फरीदाबाद और नोएडा सही जवाब सी के साथ अधिकतर लोग सी आंसर कर रहे हैं कुछ लोग डी e, आंसर भी कर रहे हैं यानी कि फरीदाबाद कुछ लोग ई यानी कि नोएडा आंसर भी कर रहे हैं यानी कि सभी के बीच में कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन दूर कीजिए करेक्ट आंसर फरीदाबाद आपके यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड यश वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन विच बॉलीवुड एक्टर हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल आइकॉन अवॉर्ड रिसेंटली हाल ही में किस अभिनेता को ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित आपका यहाँ पर किया गया है अलू अर्जुन महेश बाबू रामचरण शाहरुख खान और सलमान खान ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी लोग कि इसका सही जवाब यहाँ पर क्या बनेगा कैसे यहां पर ग्लोबल आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो शाहरुख खान को अभी रिसेंटली ग्लोबल आईकॉन अवार्ड से सम्मानित आपका किया गया था ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन रिसेंटली द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड एट बिलियन अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन बाई विच ईयर विल इंडिया ओवरटेक चाइना एज द मोस्ट पॉपुलिस कंट्री सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि भारत दुनिया का वर्तमान में सर्वाधिक आबादी वाला जो देश है वो चाइना है उसे क्रॉस करके दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला मुल्क कब तक भारत यहां पर बन जाएगा अगर हम डेटा की यहां पर बात करें पूरी दुनिया की आबादी अभी रिसेंटली आठ अरब को पार कर चुकी है और हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे पॉपुलेशन के लिहाज से किस ईयर तक तो इसका आंसर है 2023 तक यानी कि नेक्स्ट ईयर तक ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड before बिफोर year ईयर ग्लोबल पॉपुलेशन विल क्रॉस द 10 बिलियन मार्क यानी कि अभी हाल ही में दुनिया की आबादी ग्लोबल लेवल पर जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसकी आबादी 8 बिलियन को क्रॉस करी है किस वर्ष तक दुनिया की आबादी या उस वर्ष से पहले दुनिया की आबादी 10 अरब के आंकड़े को पार कर जाएगी किस ईयर से पहले दुनिया की आबादी 10 अरब के आंकड़े को पार कर जाएगी ईयर यहाँ पर क्या बनेगा तो सन 2100 से पहले 2100 सन इक्कीस से पहले दुनिया की आबादी आपकी दस अरब को पार कर जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन फॉर विच स्पोर्ट विल अंचिता शरत कमल रिसीव द कंट्रीज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड वर्तमान में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो खेल पुरस्कार आपका यहां पर बनता है वो बनता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं दिग्गज खिलाड़ी अंचिता शरत कमल तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये यह बताना है वो किस खेल से संबंधित हैं पांच ऑप्शन ये भारत के एक जाने माने टेबल टेनिस प्लेयर आपके यहाँ पर बनते हैं टेबल टेनिस टी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है

इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था मेजर ध्यानचंद जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम यहां पर क्या बनता है पांच ऑप्शन सही जवाब उनकी आत्मकथा यहां पर बनती है गोल ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर है कभी भी जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मेजर ध्यानचंद जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? यहां पर एक और पॉइंट याद रखेगा माइंड मास्टर भारत के पहले और भारत के प्रसिद्ध पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद की ऑटोबायोग्राफी uh, बनती है हिस्ट्री आपकी uh, जाने माने शूटर अभिनव विंद्रा की ऑटोबायोग्राफी बनती है अनब्रेकेबल यह आपकी ऑटोबायोग्राफी बनती है एमसी मेरी कॉम की और गोल्डन गर्ल पीटी ऊषा की क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हाउ मेनी आउटस्टैंडिंग कोचेस में पूछा गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पर जो दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड ये खिलाड़ियों को सिखाने वाले कोचेज को यहां पर दिया जाता है उनके गुरुओं को दिया जाता है तो रेगुलर कैटेगरी में टोटल कितने कोचेज को इस साल पुरस्कार के लिए आपका यहां पर चुना गया है सभी का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि टोटल चार कोच हैं जिनको यहाँ पर रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार पुरस्कार दिया गया है वेरी गुड तो इसी से संबंधित अगला प्रश्न भी आपका यहाँ पर बन जाएगा कि अगर हम बात करते हैं आउटस्टैंडिंग कोचेज हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द एंड अवार्ड 2022 इन द लाइफटाइम टाइम कैटेगरी तो फिर लाइफटाइम टाइम कैटेगरी में कितने कोचिज को यहाँ पर इस अवार्ड के लिए चुना गया है रेगुलर कैटेगरी में और लाइफ कैटेगरी में रेगुलर कैटेगरी में चार कोच हैं जिनको चुना गया है और हाँ अर्पिता आज क्लास 12 बजे से हुआ आज दो बजे का टाइमिंग है केवल आज के लिए है नेक्स्ट वीक से वही दो बजे की टाइमिंग ही रहेगी यहाँ पर मुझे बताएगा सही जवाब कुछ कारणों से आज ये सेशन दोपहर बारह बजे हो रहा है बाकी अब आपके नेक्स्ट वीक से वो दो बजे ही होगा तो नेक्स्ट वीक आपको दो बजे ही कनेक्ट करना है तीन यहाँ पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जो लोग सिक्स आंसर कर रहे हैं वो लोग करेक्ट करेंगे कि सही जवाब यहाँ पर सी है यानी कि टोटल तीन कोचिज को लाइफ टाइम कैटेगरी में चुना गया है नेक्स्ट च यूनिवर्सिटी हैज बीन अवॉर्डेड द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू यूनिवर्सिटी का नाम आपके सामने की कि किस यूनिवर्सिटी को इस साल के मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी के लिए आपके यहाँ पर चुना गया है मुंबई यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ डेही सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर और नन ऑफ दिस पांच ऑप्शन आराम से बताएगा कि सही जवाब आपके यहाँ पर क्या बनेगा इस प्रश्न का सही जवाब है अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट्स कमीशन भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में कितने खिलाड़ियों को चुना गया है पांच ऑप्शन फटाफट से बताएगा इन खिलाड़ियों की संख्या कितनी है इन खिलाड़ियों की संख्या कितनी है टोटल दस खिलाड़ियों को यहां पर चुना गया है टेन ओके श्रेया पूजा रिपर्ना प्रियांशी पल्लवी देवांश, शिवानी शशांक सुषमा सभी ने दस ही आंसर किया है और ये करेक्ट वेरी गुड एवरी वन नेक्स्ट ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन विच ऑफ पर्सन इज नॉट अमंग टॉप इज नॉट अमंग द टेन हैव बीन इंडक्टेड एज द मेंबर्स ऑफ द इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन एथलीट्स कमीशन आपको बताना है कि जिन 10 लोगों को शामिल किया गया है उन मेंबर्स में इनमें से कौन शामिल नहीं है और वो इसलिए भी शामिल नहीं है क्योंकि वो इस समय एक केस के मामले में तिहाड़ जेल में आ, सजा काट रहे हैं बेसिकली अभी मतलब तिहाड़ जेल में वो कैद हैं उनके ऊपर केस अभी चल रहा है तो यहां पर सही जवाब आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि सुशील कुमार भारत के जाने माने रेसलर ठीक है तो ऑप्शन नंबर ई यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन विच वेटरन तेलुगु एक्टर पास अवे इन हैदराबाद सिटी एट द एज ऑफ एटी रिसेंटली पांच ऑप्शन बताइए हाल ही में किस जाने माने

चलिए तो सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या बनेगा जाने-माने एक्टर जिनका हाल ही में निधन हुआ है सही जवाब बनेगा कृष्णा गारू ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर डू लाइक द सेशन एवरी वन जितने भी लोग इस सेशन को इस समय लाइव देख रहे हैं उम्मीद है कि सेशन से कुछ ना कुछ वैल्यू उन्हें जरूर मिल रही होगी तो अगले हफ्ते भी हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे इसीलिए फटाफट से सेशन को यहां पर लाइक जरूर कर दीजिएगा आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन जो आप सभी के साथ शेयर करनी है डेली बेसिस पर सभी क्लासेस की टाइमिंग्स आप सभी के सामने हैं सुबह सात बजे द हिंदू एडिटोरियल और दस बजे आप इंग्लिश क्लास के लिए आप कनेक्ट करेंगे यशु मैम के साथ सुबह आठ बजे डेली करंट अफेयर्स आठ बजे और जीके के टोनेडो सेशन की टाइमिंग दो बजे है तो ये केवल आज ही के लिए ट्वेल्व पी है बाकी नेक्स्ट वीक थर्सडे और फ्राइडे हफ्ते में दो दिन आप यहाँ पर दो बजे करंट अफेयर्स रिविजन के लिए जुड़ेंगे नौ बजे मैथ्स के लिए प्रबल सर के साथ और ग्यारह बजे कार्तिक सर के साथ रीजनिंग के लिए ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट Which of the following group has launched a plan named Global Shield at 27th UN Climate Change Conference? आपको बताना है कि इसमें से किन कंट्रियों के ग्रुप ने हाल ही में 27वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्लोबल शील्ड नामक एक योजना की शुरुआत आपकी यहां पर की है पांच ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप का नाम यहां पर क्या होगा यह ग्रुप कोई और नहीं बल्कि है G7 ऑप्शन नंबर वी ग्रुप सेवन या सेवन कंट्रीज का ग्रुप G7 ने इस फंड को यहां पर योजना को बेसिकली शुरू किया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किरण हैज बीन अपॉइंटेड एज द बैटिंग कोच ऑफ विच टीम आफ्टर ही अनाउंसड रिटायरमेंट रिटायरमेंट अनाउंसड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द आईपीएल अब वो आईपीएल नहीं खेलेंगे आईपीएल से उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है तो इस रिटायरमेंट की घोषणा के बाद उन्हें किस आई टीम का यहाँ पर बैटिंग कोच बनाया गया है किस आई टीम का बैटिंग कोच यहाँ पर बनाया गया है तो जिस टीम से वो खेलते थे यानी कि मुंबई इंडियंस उसी टीम का बैटिंग कोच उन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ है प्रदर्शन के आधार पर परफॉर्मेंस के आधार पर किसे टी ट्वेंटी विश्व कप दो हजार बाईस की मोस्ट वेल्युएल टीम जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको मिलाकर वो टीम बनाई गई उसका कप्तान यानी कि कैप्टन आपका यहाँ पर चुना गया है पांच ऑप्शन सही जवाब कैप्टन आपके यहाँ पर बनाया गया है जॉस बटलर जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और इंग्लैंड टीम के कैप्टन हैं इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के नेक्स्ट ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन नेम द पर्सन हु लिव्ड फॉर एटीन इयर्स एट चार्ल्स डी चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डा या एयरपोर्ट इन पेरिस एंड पास्ड अवे रिसेंटली पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर 18 साल तक रहने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में पेरिस में निधन हो गया है इनके देश में कुछ समस्याओं की वजह से और इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से शुरुआत में ये उस एयरपोर्ट में फंस गए थे कुछ महीनों के लिए और फिर बाद में उन्होंने वहीं पर रहने का फ़ैसला किया तो इनका नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है इनका नाम है मेहरान करीमी नासरी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है इनके जीवन पर आधारित एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था द टर्मिनल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी विच टेलीकॉम ब्रांड इन इंडिया हैजॉप इंडिया डिजायर मोस्ट थाउजेंड ब्रांड्स 2022 लिस्ट पांच ऑप्शन आपके सामने है भारत में किस टेलीकॉम ब्रांड ने इंडिया डिजायर्ड ब्रांड्स दो हजार बाईस में टॉप रैंक आपकी यहां पर हासिल की है Jio, BSNL, Airtel, Vodafone एयरटेल वोडाफोन और आइडिया करेक्ट आंसर देवांस कह रहे हैं कि सर बी होना चाहिए नहीं इसका सही जवाब ए है यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है जितने भी लोगों ने ए आंसर किया है यस yes इज कि सर एम वाइफ हा तो m5 नहीं है Jio यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 द गरुडा शक्ति 2022 जॉइंट एक्सरसाइज हैज बीन कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री एट कारावांग कारावांग लोकेशन है जहां पर गरुडा शक्ति 2022 जो संयुक्त अभ्यास है वो भारत ने किस कंट्री के साथ यहां पर कंडक्ट किया है b b b इंडोनेशिया 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 तो क्या इंडोनेशिया सही जवाब है यस ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया इज द राइट आंसर नेक्स्ट थर्टी टू हुट प्लेयर इन दर्ल्ड टू स्कोर दाइव वर्ल्ड कप्स यानी कि फीफा विश्व कप की यहां पर बात हो रही है कि पांच अलग अलग फीफा विश्व कप में गोल करने वाले जो पहले खिलाड़ी आपके यहां पर बने हैं जिन्होंने पांच अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप्स में यहां पर गोल किया है इस खिलाड़ी का नाम क्या बनेगा सही जवाब ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ने भारत का पहला यहां पर किया है ये एक स्टिकर की फॉर्म में होगा जैसे कि क्यू कोड होता है इसे आप अपने मोबाइल के पीछे वॉच में कहीं भी उस स्टिकर को आप चिपका सकते हैं और स्टिकर को टैप करके आप वहां पर पेमेंट डन कर सकते हैं तो यहां पर बैंक का नाम बनेगा IDFC First Bank, option number A is the right answer here. Next, 34 number question. Uh, who among the following cricketers achieved the world record for the highest ever individual score in List A cricket by scoring 277 runs against the Arunachal Pradesh state team?

वाटर ब्रांड बिस्लैरी का अधिग्रहण यहां पर किया है कितने अमाउंट में यस yes का आंसर है ऑप्शन नंबर सी और लगभग सभी लोगों का आंसर है सी यानी कि सात हजार करोड़ तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है सेवन थाउजेंड करोड़ यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा वेरी गुड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स विच ऑफ हैज ओपन इट्स फर्स्ट मिड कॉर्पोरेट ब्रांच इन केरला एट कोची यानी कि यहाँ पर मिड कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए बेसिकली कंपनियों के लिए ओपन की गई एक ब्रांच है जिससे जिसमें कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी ये तो अपनी तरह की पहली मिड कॉर्पोरेट ब्रांच है इसे किस बैंक ने यहाँ पर कोची केरला में आपका ओपन किया है बैंक का नाम आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ई e, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में मौजूद है बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में आपकी हुई थी यह भी याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 इन नेपाल प्राइम मिनिस्टर नाम क्या है हैज बीन इलेक्टेड फॉर द देवेंथ कंजिव टाइम फॉर द होम डिस्ट्रिक्ट ऑफ दादेल धुरा दादेल धुरा से चुने गए सातवीं बार जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री आंसर यहां पर क्या होगा जो इस कॉन्स्टिट्युएसी से लगातार सातवीं बार आपके यहां पर चुने गए हैं शेर बहादुर देवबा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट विच स्टेट हैज अचीव हंड्रेड परसेंट जियो 5G फाइव जी कवरेज अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट मेकिंग द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू सो यानी कि इस राज्य के सभी के सभी तैंतीस जिलों में ट्रू फाइव जी सर्विस आपकी अवेलेबल करा दी है अवेल करा दी है रिलायंस जियो ने ट्रू फाइव जी सर्विस सभी जिलों में है और ऐसा आ, आ, ऐसी सर्विस हासिल करने वाला या ऐसा मुकाम छूने वाला भारत का पहला राज्य आपका कौन सा बना है जहाँ पर रिलायंस ने यह सर्विस प्रोवाइड की है सही जवाब आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात स्टेट नेक्स्ट थर्टी नाइन नंबर क्वेश्चन विच ऑफ दी फॉलोइंग कैटेगरीज इज नॉट फीचर्ड इन द तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड पांच ऑप्शन फटाफट से बताइएगा तेंजिंग नोरगे नेशनल एडवेंचर uh, अवार्ड्स के तहत अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं और उन कैटेगरीज में कौन सा अवार्ड आपका यहां पर शामिल नहीं है तो अवार्ड जो इसमें आपका शामिल नहीं है वह है सेक्रीफाइस फॉर द नेशन राष्ट्र के लिए बलिदान देने की कैटेगरी में यह अवार्ड आपका नहीं दिया जाता है बाकी तीन कैटेगरी में यह अवार्ड आपका यहाँ पर दिया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन संगाई फेस्टिवल इज

जी ट्वेंटी की जो समिट थी वो बाली इंडोनेशिया में आयोजित की गई है नेक्स्ट ईयर जी ट्वेंटी की समिट इंडिया में आयोजित कराई जाएगी तो इस साल जी ट्वेंटी की जो बाली इंडोनेशिया की समिट थी उसकी थीम क्या थी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में सही जवाब आपका यहां पर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी रिकवर टूगेदर रिकवर स्ट्रॉगर दिस इज द थीम ओके नेक्स्ट फोर्टी आंसर हुज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के वी आईसी तो के वी आई सी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हाल ही में कैसे आपके यहां पर नियुक्त किया गया है पांच ऑप्शन राजेश वर्मा राजीव कुमार दीक्षित जोशी आर के गुप्ता विनीत कुमार पांच ऑप्शन फटाफट से लेटेस्ट अपॉइंटमेंट करेक्ट आंसर आपका यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ई यानी कि विनीत कुमार इज द राइट आंसर है

हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली ये एक बहुत ही लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है कि अनवर इब्राहिम को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री आपका यहां पर नियुक्त किया गया है पांच ऑप्शन मलेशिया इंडोनेशिया वियतनाम सिंगापुर और श्रीलंका ए ओके okay. सभी लोग ए के साथ हैं मलेशिया 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 तो ऑप्शन नंबर ए मलेशिया इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट 45. UNESCO UNESCO India Africa Hackathon has was uh, held at which university of Uttar Pradesh recently? उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अभी रिसेंटली आपका यहां पर आयोजित किया गया था यूनिवर्सिटी का नाम यहां पर क्या बनेगा जहां पर इस इवेंट को आयोजित किया गया था सही जवाब गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स फर्स्ट जी ट्वेंटी शेरपा मीटिंग में से कौन सा शहर चार से सात दिसंबर तक भारत की पहली जी ट्वेंटी शेरपा बैठक की मेजबानी आपका यहां पर करेगा शहर का नाम बेंगलुरु न्यू दिल्ली, जबलपुर उदयपुर अहमदाबाद और मुंबई सिटी शेरपा मीटिंग की मेजबानी यहां पर करी है पांच ऑप्शन सही जवाब सही जवाब बनेगा उदयपुर सिटी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है उदयपुर सिटी को द सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज बीन इनवाइटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द चीफ गेस्ट फॉर द रिपब्लिक डे 2023 सेलिब्रेशंस गणतंत्र दिवस 2023 समारोह के लिए भारत सरकार के द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है पांच ऑप्शन इजिप्ट यूएई जराइल मॉल और रशिया सही जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि इजिप्ट यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सिंपल सा क्वेश्चन है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली वुमेन प्रेसिडेंट जो आपकी यहां पर बनने वाली है सही जवाब करेक्ट आंसर यहां पर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर डी पी टी ऊषा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन आपके लिए होमवर्क रहेगा यह आप सभी के लिए होमवर्क है इसका आंसर आपको होमवर्क के तौर पर देना है नोट कर लीजिएगा ठीक है रॉकेट फैसिलिटी यहां पर ओपन की गई है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन और क्वेश्चन नंबर फिफ्टी ये भी आप सभी के लिए होमवर्क है इन दोनों ही प्रश्नों का आंसर सेशन कंप्लीट होते ही सम कमेंट सेक्शन में आप लोग करेंगे और जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता है इन दोनों ही प्रश्नों का वो लोग कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे ओके एवरी वन ओके देन तो आज के लिए ये सेशन यहीं पर वाइंड अप होता है इस सेशन की समाप्ति यहीं पर होती है आप लोग और uh, कंटेंट के लिए क्विज के लिए ई e बुक्स डाउनलोड अगर आप करना चाहते हैं प्रैक्टिस करना चाहते हैं आप एम बाई पर विजिट कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं उसकी लिंक आपके कमेंट सेक्शन में उपलब्ध है तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप लोग यहाँ पर इस क्यू कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर सेशंस की अपडेट और पीडीएफ आपकी मिलती रहेगी यस थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है टाइमिंग का जैसे ही टाइमिंग खाली मिलती है आप लोगों का जो सेशन है पूरी कोशिश करेंगे डेली बेसिस पर रन कराएँ ठीक है क्लियर है मेरी बात ओके okay देन आज के लिए दोस्तों मेरे साथ ही उतना ही अगले वीक थर्सडे और फ्राइडे को ये सेशन फिर होगा दोपहर दो बजे और अब आपकी नेक्स्ट क्लास आपकी होगी दो तारीख को जनवरी में डेली करंट अफेयर्स वाली है ना कल आप लोग वीकली करंट अफेयर्स का आनंद उठाइएगा सुबह आठ बजे वीकली करंट अफेयर्स बेस्ट फिफ्टी एम आपको मिल जाएंगे और आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन आई थैंक यू